नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और मैं खड़ा हूं गैलेक्सी अपार्टमेंट पे जो कि बांद्रा के बैंड स्ट्रीट पर है। सलमान खान का घर है और ये जो चिक सामने नज़र आ रही है, यहां से हर साल सलमान खान आते हैं और हाथ हिलाते हैं और इसी हाथ हिलाने के इंतज़ार में यहां सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे फैंस रहते हैं। ये जो पूरा का पूरा नज़ारा है, ये खाली जन्मदिन पर नहीं, ईद पर भी होता है और यहाँ अभी मेरे साथ भी बहुत सारे फैंस यहाँ पर खड़े हुए हैं और मैं एक एक करके इन सारे फैंस से बात करूँगा। ये लोग कहाँ से आए हैं, कौन लोग हैं, सबसे पहले आपसे पूछते हैं। आप सुबह से यहाँ पर डांस कर रहे थे, मैं देख रहा हूँ, कहाँ से आए आप? सर, मैं कानपुर से आया हूँ और मेरा नाम रियाज है और मैं सलमान सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। आप देख सकते हो ब्रेसलेट मेरा जी। तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, स्पेशल मैं उनके उनको देखने, उनको विश करने यहाँ से आया हूँ। पहली बार आए हैं या पहले भी आते हैं? मैं 2018 में एक बार आया था बट वो मैं देख नहीं पाया था उनको, तो आज होप्स हो मेरा ड्रीम पूरा हो जाए। आज कितने और लोग आए आपके साथ? हमारे साथ 3-4 लोग और आए हुए हैं जी। और वो आपके स्पीकर कहाँ हैं जहाँ पे आप डांस कर रहे थे? अच्छा, स्पीकर उधर है, ये इनका स्पीकर है, इस पे डांस करें, इनका डांस हम देखेंगे, लेकिन इससे पहले और भी लोगों से बात करें। आप सर? दिल्ली NCR नोएडा से मैं आया हूँ। मैं भी सलमान का बहुत बड़ा फैन हूँ और काफी लोग आए हैं दूर दूर से यहाँ पे सलमान खान को देखने के लिए, क्योंकि वो गरीबों का मसीहा है, लोगों में दान करते हैं। सलमान सबका भाई जान है और Tiger 3 जब से निकला है और लोग उसका फैन हो गया है। जबरदस्त मूवी कैमबैक, शाहरुख खान और सलमान खान ने मिलकर धमाल किया Tiger 3। सलमान सर को एक बार मैं आया हूँ दमन दीव से, मेरा नाम है किशोर जेटवा, मैं सुबह 8 बजे से यहाँ खड़ा हूँ। सर, मैं भाई का बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं 8 बार देखी Tiger 3 मूवी और मैं बिगेस्ट फैन हूँ सलमान खान का। गॉड ब्लेस यू सलमान भाई। छोटे से बच्चे बर्थडे मिस कर लूं तो मैं बिहार से आया हूं, करीब 1300 किलोमीटर। हाँ जी, 2009 में मैं पहली बार मुंबई आया था तो उस समय मैं उसका दीदार नहीं कर पाया था, तो भीड़ बहुत ज्यादा था, प्रशासन दे रहा था, तो उसके बाद मैं आज आया हूं और मैं उसका करीब बचपन से ही, जब से होश मैंने संभाला है 2010 से लेकर अब तक जितनी भी मूवी आई है, दबंग से लेके जितना भी था Tiger 3 तक मैंने देखा। आप कुछ बोलना? सर, सबसे पहले मैं सलमान सर को विश करना चाहूँगा, विश यू हैप्पी बर्थडे सर, गॉड ब्लेस यू। और सर, आप हम लोगों के बहुत बड़े इंस्पिरेशन हो तो हम बहुत क्लोजली हम फॉलो करते हैं आपको, थैंक यू। आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं सलमान भाई का इतना बड़ा फैन हूँ, मैं पूरे साल भर कहीं पे भी रहूं, लेकिन 27 दिसंबर को मैं आपको दिखूंगा गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर। और सलमान भाई के लिए सिर्फ 2 लाइन बोलूंगा, सलमान भाई आपकी जीत में, आपकी हार में मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, मैं वही हूँ आपका फैन, न कल बदला था ना आज बदला हूँ ना कभी बदलूंगा। मैं हमेशा आपका फैन था और हमेशा आपका फैन रहूंगा। लव यू सलमान भाई। एक मिनट, आप बताइए, ये फूल लेके खड़े हैं? मैं यूपी कानपुर का हूँ सर। यूपी कानपुर, कानपुर से जी। मैं भांजे के वाइस थी, मैं पूरी फैमिली में किसी की नहीं सुनता था, सिर्फ भाई की सुनता था। अच्छा। भाई से मिलने आया और इंशाल्लाह मिलूंगा भी। और भाई के ऊपर जो भी अटैक होता है, जो पास्ट लोग बोलते हैं, आप उनको फर्क नहीं पड़ता, जिसको मिलना फेस करे। चलो ठीक है, आप ये फोटो लेके आए सलमान खान? सर, मैं नागपुर से आया हूँ, नागपुर से आया हूँ, सुबह से यहाँ पे खड़ा हूँ भाई की एक झलक देखने के लिए। बचपन से बहुत डायहार्ड फैन हूँ भाई का, भाई को बचपन से बहुत फॉलो किया है, सिर्फ एक ही तमन्ना है, सिर्फ एक बार भाई को देखना है। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, बहुत सालों से मेरी तमन्ना थी लेकिन नहीं पूरी हुई, शायद इस बार जरूर हो जाएगी भाई को देखने के लिए। भाई लव यू, बहुत बड़ा फैन हूँ सर आपका, ऑलवेज लव यू भाई। आप कहाँ से आए? मैं पुणे से आया हूँ, पुणे में भवानी पेट में रहता हूँ। अच्छा। जरा थोड़ा लंबे आगे भैया, थोड़ा लंबे आगे। टैटू बनवाया? हाँ। ये खराब होती है उसका। कब बनवाया आपने ये? अभी 10 दिन हो गए निकल के, 10 दिन हो गए, अभी भी वो पूरा मतलब क्लियर नहीं हो गए वो। हाँ। अभी जख्म मतलब ताजा जख्म है अभी वो। अच्छा। हाँ। कितने साल से फैन है आप सलमान के? मैं 25 साल से भी ज्यादा मैं फैन है सलमान भाई का। अच्छा। और मैं सलमान भाई का जब मैंने बॉडी देखा पिक्चर में, जब से मैं अभी तक कंटिन्यू में 25 साल से जिम करता हूँ मैं, और मैं सलमान भाई का इतना बड़ा फैन है ना भाई का, बस भाई एक बार मेरे को भाई को मिलने का मौका मिलने दो, बस मेरे जो बोलने की जो है जो इच्छा पूरी वो सलमान भाई को। कितना दर्द हुआ जब ये भाई? मैं तीन घंटे से मैं दर्द सर, खून भी बहुत बार निकला इसे। अच्छा। अभी भी इसका लाइव खून चालू था, अभी मैं ये तरह स्टॉप किया मैं। अच्छा। 3 घंटे से तकलीफ ये सहन किया मैं। ये मेडल मैं महाराष्ट्र श्री था पनवेल में। अच्छा। मुंबई में तो उधर मैं गोल्ड मेडल जीता था मैं फर्स्ट। आपको सलमान से प्रेरणा मिली जिम जाने की? सलमान क्या? सलमान से प्रेरणा मिली, सलमान को देख, सलमान भाई से एक इंस्पिरेशन मुझे मिला है जिम का।
और उनका बॉडी देखने के बाद ही मैं पागल हो गया एक बॉडी बनाने का। और ये भाई मेरा दोस्त है, ये भी मेरे साथ हर साल आते हैं ये भाई, और इन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। ये रिक्शा चालक है, इन्होंने बहुत सालों से जिम का ये किया है सलमान भाई के लिए। रिक्शा चलाते हैं, ऑटो रिक्शा चलाते हैं, और ये ऑटो रिक्शा पे अपना गुजारा करके घर खर्चा पानी करके खुद के बॉडी के लिए मेंटेन कर रहे हैं जो भी है। तो सलमान भाई के लिए इनके जो भी दिल में की बात है वो सलमान भाई को बोलना है, कि जो भी इनके दिल की बात है वो सलमान भाई को बोलना है। इसके लिए हर साल आते, 25 साल से इनका आना जाना है, पर इनको कुछ उधर तक पहुँच रहा नहीं है, कुछ इनका वायरल नहीं हो रहा है कुछ वीडियो। तो इसके लिए हम वो गुजारिश कर रहे हैं कि उनका वीडियो उनके तक पहुँचे, उनके अंदर में जितनी भी तकलीफ है तो वो भाईजान तक पहुंचने चाहिए। बस इसका इतना भाईजान का भाई का बहुत बड़ा फैन हूँ, क्योंकि ये निकलना कोई मामूली चीज़ नहीं। 2 मिनट से कंटिन्यू खून निकल रहा था अभी गर्दी में, किसने तो भी मुझे मतलब गलती से किसका नाखून लगा रहेगा, बहुत खून निकल रहा था, यहाँ से खून निकल रहा था अभी ताज़ा था, अभी वो जरा खून स्टॉप कर रहा है, इसलिए मैं अभी थोड़ा आपको देखते मैं जरा बाहर आ गया। आपका बॉडी देखिए, इनके बॉडी पे जाइए, क्योंकि सलमान तक पहुँचना है। अब हमारे साथ सलमान के एक फैन है जो सलमान खान जी से मिलने के लिए गाजियाबाद से मुंबई साइकिल से सफर करके आए हैं। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम पैपून राइटर है। पैपून राइटर, पैपून जी राइटर जी। आप गाजियाबाद से आ रहे हैं जी? गाजियाबाद में क्या करते हैं आप? मैं कारपेंटर का काम करता हूं सर। कारपेंटर का काम करते हैं। कितना टाइम लगा आपको यहां तक? मैं 8 दिसंबर को निकला था, 8 तारीख को वहां से घर से, और आज मुझे 18 दिन लगे यहां पे, परसों मैं पहुंचा हूं यहां पर 26 जी जी। तो बीच में खाने पीने का इंतजाम वो सब पेट्रोल पंप पे, मैं या तो पेट्रोल पंप पे रुकता था या फिर ढाबे पे, दो जगह है सर। खाने का लोग जी वहाँ पे सोता था मैं। तो आप अकेले आए साथ में किसी को लेके? अकेला हूँ सर, मैं अकेला हूँ। अकेले आए जी, बट आपको मालूम है कि सलमान खान शायद आपसे ना मिल पाए, बट आप फिर भी इतना टाइम लगा के आप यहाँ पर आए हैं, इतनी मेहनत करके आप आए, तो आप जब बिना मिले जाएंगे तो मायूसी होगी? नहीं सर, मुझे मैं थोड़ा वेट करूंगा, मिल के जाऊंगा सर से। सर मैं उनका वेट करूंगा, मैं मिल के जाऊंगा, मैं किताबें लिखता हूँ, कहानियाँ लिखता हूँ सर। किताबें और कहानियाँ जी जी। आप क्या चाहते हैं सलमान आपकी कोई कहानी सुने? जी सर जी बिल्कुल। और आपकी कहानी को फिल्म बनाए उसके ऊपर? जी सर जी। सलमान खान की सारी फिल्में देखते हैं? सब फिल्म देखते हैं सर। सब फिल्में। आपके परिवार वालों ने नहीं रोका कहाँ इतना लंबा जा रहे हैं आप? मेरे परिवार वालों का पूरा सपोर्ट है सर जी। तो आप यहाँ मुंबई में कब तक रहेंगे? जब तक उनसे मिल नहीं लेता सर। तो जब पैसा वैसे कहाँ से आएगा, खर्चा कैसे चलेगा? खर्चा तो बस अपने कम से कम मैं अपना कर रहा हूँ सर, यहीं पे रात को यहीं पे रहा था पूरी रात। अच्छा। भारे रोड पे सर। अच्छा। और अभी तक जाने का वापस नहीं सोचा है? नहीं अभी तक नहीं सोचा सर। इंशाल्लाह अच्छा पूरी जरूर होगी। साइकिल खराब हुई बीच में? काफी खराब हुई सर, टूट भी गया था, देखिए टूटा पड़ा है, और ट्यूब कई बार उसकी पंचर हो चुकी, पूरा टूट गया था, बेकार हो गया सारा, मैं भी गिर गया था, ये सब टूट गया था। मेरी थोड़ा चोट भी है, चोट लग गई थी यहाँ पर वहाँ पे कसारा घाट के पास। अच्छा। तो साइकिल फिर दोबारा बांधा मैंने, वरना ये सब टूट गया था। साइकिल में काफ़ी पंचर हुआ, कई बार ट्यूब बदलनी पड़ी मुझे, तो काफ़ी मतलब परेशानी हुई। चंद्रवाड़ा में मैंने पंचर लगवाया था, वहाँ पे सारा मैंने लाइव दिखाया, मैं सब लाइव आ रहा हूँ वहाँ से पूरा। लाइव किसने किया? मैंने किया सर, खुद अपने आप। अच्छा, आपने आपको आपने यूट्यूब चैनल पे डाला? जी जी, सारी वीडियो डाली है लाइव वहाँ से, जहाँ जहाँ मेरा जैसे जैसे मेरा सफर रहा, मुश्किल आई है मुझको, मैंने सारा वो दिखाया लोगों को इस तरह से सर। हम और भी लोगों से बात करेंगे। आप कहाँ से आए? मैं अहमदाबाद से आया हूँ। मैं रात को 12 बजे से नॉन स्टॉप कार चला के सुबह 8 बजे मुंबई आया हूँ। अच्छा। इससे पहले भी मैं 12 नवंबर को आया था गेटी गैलेक्सी फर्स्ट फर्स्ट शो टाइगर 3 देखने। ओके। पर मुझे बताइए, टाइगर 3 आपने देखी? टाइगर 3 कितने लोगों ने देखी? टाइगर 3 ओरिजिनल एक सेकंड, मुझे ये बताइए कि आप सलमान के लिए इतने बड़े फैन हैं आप? आप हाँ डांस करके बताओ जरा, पीछे खड़ो, पीछे जाके डांस करके बताओ, करो डांस। तो ये सलमान खान के फैंस हैं, और ये सलमान खान के फैंस हैं। अभी जब तक सलमान खान के दीदार इनको नहीं हो जाते, यहीं पर खड़े रहेंगे गैलेक्सी के बाहर। इस बार गैलेक्सी के बाहर बहुत कड़ा इंतजाम है, बैरिकेड्स लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। मैं कहूँगा संजय को बैरिकेड्स दिखाने के लिए। ज़्यादातर जितने भी लोग हैं, जो भी उनके फैंस हैं, वो सब बैरिकेड्स के पीछे हैं, क्योंकि वाई प्लस सिक्योरिटी है सलमान खान को, और जन्मदिन के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पर होती है, बहुत सारे फैंस होते हैं, इसलिए इनको बैरिकेड्स के पीछे रखा गया है। मुंबई से प्रशांत सिसोदिया, एनडीटीवी इंडिया के लिए।